योग की राइट इन्फॉर्मेशन देने वाले YouTube चैनल संदीप ज्ञान में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में जो वैकेंसी निकल रही है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी वैकेंसी आपको मिल रही है, किस प्रकार इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो हम रोजाना की तरह सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी हिंदी में समझा देते हैं और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में जारी किया गया, इसलिए हमने इसका हिंदी रूपांतरित किया गया है हमारे द्वारा। तो सबसे पहले देख सकते हो कलेक्टर ऑफिस में ये वैकेंसी आपको मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? जिला कलेक्टर ऑफिस से ये वैकेंसी मिल रही है। अच्छी जॉब है, जिला कलेक्टर ऑफिस में आपको ये मिल जाएगी। यह वैकेंसी प्रथम मिल रही है असिस्टेंट की, यानी कि सहायक की वैकेंसी। इसके बाद में जो कुक होते हैं उनकी वैकेंसी, अधीनस्थ कर्मचारी सुपरिटेंडेंट स्टाफ सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी मिल रही है। रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार का एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे सब्सक्राइब करना था। साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे उस बेल आइकन को दबाना था। साथ इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर करना है। और वॉचमैन की आपको वैकेंसी मिल रही है, मतलब चौकीदार की वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। जिला कलेक्टर ऑफिस से वैकेंसी निकल रही है, इसमें ये टोटल वैकेंसी आपको मिल रही है। वैकेंसी देख सकते हो सहायक कुक अधीनस्थ कर्मचारी और वॉचमैन की वैकेंसी जो है आपको मिल जाएगी। और इसमें जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 5वीं 7वीं और ग्रेजुएशन। यदि आप 5वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप 7वीं भी पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो भी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 5वीं पास यदि आप पढ़े लिखे हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेल एंड फीमेल इसमें दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट के। इसके बाद में हम बात करते हैं उम्र सीमा, 18 से लेके 47 ईयर्स की जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन 18,900 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क फ्री रखा गया है। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अधिक जानकारी दिखा देते हैं। तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक आपको किसी प्रकार की फेंक जानकारी नहीं दी गई है। इसकी हमें जब खुशी हुई तब हमारे सब्सक्राइबर हमें कह रहे हैं सर आपने एक SSC MTS का जो जॉब था वो गलत बताया। वो मैंने इसलिए गलत बताया कि ऑफिशियल जो SSC की वेबसाइट थी वहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ गया था, बट मैंने वहाँ से नोटिफिकेशन जिस डेट को रिलीज हुआ था उस दिन उस पर वीडियो बना दिया था कि 10,000 के समथिंग वैकेंसी आपको SSC MTS में मिल रही है। बट हुआ ये कि SSC का जो कैलेंडर है वो पिछली साल का कैलेंडर भी इस साल नहीं हो पाया पूरा, क्योंकि पेंडिंग में उनकी पहले की भर्तियाँ ही पेंडिंग में पड़ी है। अभी SSC द्वारा इस प्रकार का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है कि हम भर्ती कंप्लीट करवा लेंगे, लेकिन वो डेट पे डेट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसलिए SSC MTS की जो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट थी वो आगे बढ़ा दी गई थी, वो हमसे सबसे बड़ी भूल हुई थी। और एक हुई थी यूपी पुलिस में भी हमने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया था और उसके बाद में जैसे कि आज से फॉर्म स्टार्ट थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, 10 दिन बाद में किया। तो हमने इन्फॉर्मेशन आपको सही दी है बट उसकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो थोड़ी गलत बता दी थी, तो उसके लिए हमें आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दे रहे हैं और राज्य का नाम बता रहे हैं। जैसे ये जो वैकेंसी आपको मिल रही है हम आपको दिखा देते हैं आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिला कलेक्टर से ये वैकेंसी आपको हमने सर्वप्रथम बता दिया है कि ये वैकेंसी आपको वहाँ से मिल रही है। तो यहाँ वैकेंसीज देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था ये कुक की वैकेंसी, वॉचमैन जो ऑफिसर वॉचर की वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ देख सकते हो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए 7वीं पास, आपको साइकिल चलाना यदि आता है राइडिंग इन साइकिल तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए आप यहाँ देख सकते हो इसमें आपको तेलुगु एंड उर्दू इंग्लिश और हिंदी चारों लैंग्वेज आती है और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज़ का खाना पकाने का, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन में यहाँ प्रमुखता जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी अक्सर सर्विसमैन और जो होमगार्ड होते हैं उनको ये प्राथमिकता दी जाएगी।
जॉब की लोकेशन हमने आपको पहले बता दी है, आंध्र प्रदेश से जॉब निकल रहा है। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 डेज, 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है 10 डे, ठीक है, 10 डे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके भेज देने हैं वो भेज देने हैं 10 जनवरी। यहाँ डिटेल्स हम आपको और भी दिखा देते हैं कब से ये पेमेंट वगैरह है, एज वगैरह यहाँ देख सकते हो। कोई भी हमारी तरफ से आपको कुछ तथ्य छुपाया नहीं गया इस भर्ती प्रक्रिया गया। SC ST के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के SC ST के, ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखना। इस PDF में भी दर्शाया गया है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ क्लोज ऑटोमेटिक देख सकते हो जो है 31/12/2018 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जिला कलेक्टर ऑफिस से ये वैकेंसी आपको मिल रही है। यहाँ हम आपको डिटेल्स दिखा देते हैं SC ST के लिए विशेषकर ये जॉब निकाला गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइबल जो कास्ट होती है उनके लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट जॉब, तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।